छोटी छोटी कहानियां सिखाती बड़ी बड़ी बातें। आज की कहानी चार मित्रों की है। घनिष्ठ मित्र, स्कूल साथ में खत्म किया, कॉलेज एक साथ गए, एक ब्रांच में एडमिशन लिया। चारों का घूमना, कॉलेज जाना आना एक साथ। 3 महीने पूरे हुए कॉलेज में और आ गया क्वार्टरली टेस्ट। क्वार्टरली टेस्ट था सोमवार को और शनिवार को ये चारों मित्र गए घूमने। शनिवार को घूमे, रविवार को घूमे, रविवार की रात को खाया पिया और सो गए। सोमवार की सुबह नींद खुली, अपने कपड़े मिट्टी से सन लिए, थोड़ा सा कार का कचरा भी डाला, ग्रीस वगैरह भी कपड़ों में डाला और सुबह सुबह टेस्ट के 15 मिनट पहले पहुंच गए कॉलेज। प्रिंसिपल से मिले और बोले, सर रात को हम एक मित्र को मिलने के लिए हॉस्पिटल गए और आते समय हमारी कार पंचर हो गई। अब हमारे में से किसी को भी टायर को रिप्लेस करना आता नहीं था और रास्ते पे कोई था नहीं, सुनसान। अब हम क्या करते? हमने बहुत मेहनत की और किसी तरह से व्हील को बदला और व्हील को बदलने के बाद हम सीधे यहां पहुंच गए। इतना कहने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर क्वार्टरली टेस्ट हमारा 2-3 दिन के बाद हो सकता है क्या? प्रिंसिपल ने चारों को बड़े गंभीरता से देखा और बोले, हाँ ठीक है, तुम तकलीफ में हो तो एक काम करो, तुम्हारा टेस्ट मैं गुरुवार को ले लेता हूं। चारों मित्र बहुत खुश हुए, मन ही मन सोचा प्रिंसिपल सर को भी हमने घुमाया, प्रिंसिपल सर ने हमारे झूठ पर भरोसा कर लिया। अब लग गए वे तैयारी को, पढ़े, बहुत तैयारी की, अच्छी तरह से तैयारी की और गुरुवार को पूरी तैयारी के साथ कॉलेज पहुंचे। प्रिंसिपल ने चारों को बुलाया, चार लिफाफे दिए जिसमें क्वेश्चन पेपर था और प्रिंसिपल सर ने कहा कि तुम चारों अलग अलग रूम में बैठ जाओ और उत्तर लिखो। चारों बड़े खुश, चारों ने क्वेश्चन पेपर के लिफाफे लिए और चले गए चार रूम में। चारों ने लिफाफे खोले तो क्वेश्चन पेपर पे सिर्फ 2 प्रश्न थे और समय था 5 मिनट। पहला प्रश्न, आपका नाम, मार्क्स 1। दूसरा प्रश्न, कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, रियर राइट और रियर लेफ्ट, और सामने में कार का एक फोटोग्राफ बना करके, कार का एक स्केच था जिसपे ऑप्शंस लिखे थे ए बी सी और डी, और उस प्रश्न के बाजू में लिखा था मार्क्स 99 मार्क्स। अब प्रिंसिपल सर हमें सिखाते हैं बहुत बड़ी सीख। पहली, किसी भी घटना में रिस्पॉन्स देने के पहले सच्चाई का पता करना बहुत जरूरी है और सच्चाई का पता करने के लिए सच्चाई पता करने का सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। दूसरी सीख, मदद करें, मदद करना अच्छी चीज है, हमें हेल्पफुल होना चाहिए, लेकिन हेल्प किसको करना? योग्य पात्र को हेल्प किया तो हेल्प का रिटर्न मिलेगा। 365 कहानियों के इस दौर में अगली कहानी में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।